खून पसीने से सींचने की बात कर रहे हैं, आप आज उसी खड़े किए संगठन की पीठ में अपना छोरा घोंपती है, कहां का न्याय है भाई? पैसे के लिए बिक गए, बड़ा हमारे लिए बड़ा शर्म का विषय है ये। हमीरपुर के बटसर में कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का उनके हलके में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता आरोप लगा रही है कि जिस पार्टी ने इंद्रदत्त को पहचान दी और विधायक बनाया वो उसी संगठन की पीठ में छुरा घोंप गए और हमीरपुर के गौरव, हमीरपुर के सीएम की सरकार को तोड़ने का असफल प्रयास तक कर दिया। कहते हैं कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो आपकी ओर भी कई उंगलियां उठ जाती है। इंद्रदत्त ने अपने इलाके के काम न होने की बात कहकर क्रॉस वोट को जायज ठहराने का प्रयास किया था और उसी के जवाब में कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश लखनपाल ने पलटवार करते हुए बताया कि बटसर में पिछले सालों के मुकाबले इस एक साल में पीडब्ल्यूडी सहित कई विभागों को ज्यादा धन दिया गया है। लखनपाल ने कहा कि इलाके में विकास रुकने की बात बिल्कुल गलत है और सीएम ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं और मांगों को पूरा किया। नरेश ने ये भी कहा कि उनका ये आरोप कि एक प्रधान के काम हो रहे थे जायज नहीं और यदि कांग्रेस की किसी कार्यकर्ता के काम हो रही है तो उसमें विधायक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेवा दल के खासकर मैं यहाँ जानता हूँ इंद्रदत्त लखनपाल जी की जो विचारधारा जिससे वो बड़े खून पसीने से सींचने की बात कर रहे हैं, आप आज उसको किस चीज से आपने वो खंजर घोंप दिया जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मैंने सेवा दल को या कांग्रेस पार्टी को अपना घर बार बेचकर खून पसीने से सींचा है और उसी खड़े किए संगठन की पीठ में आपने छोरा घोंप दिया, कहां का न्याय है भाई? ये कोई न्याय संगत बात नहीं है। किस प्रलोभन की वजह से अब जगह जगह चर्चा हो रही है चौक चौराहे पे जी। कांग्रेस में किरकिरी के अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट परमजीत दवालिया ने भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों पर लगाए हैं। परमजीत से सरकार द्वारा बाबा बालकनाथ ट्रस्ट को भंग किए जाने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इसमें कई सदस्य हिमाचल से बाहर के थे और कई कथित रूप से शराब और वन माफिया से भी जुड़े थे। परमजीत ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक के नजदीकी ने अपने फर्म बनाकर ट्रस्ट को घटिया सामान भी सप्लाई किया। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है क्योंकि जो ट्रस्टी जो थे कुछ तो उसमें आप कहने की शराब माफिया, खैर माफिया जो कि कटान, अवैध कटान, ब्लैक लिस्ट और शराब के भी जिनके ऊपर एक्साइज के कुछ केसेस थे, तो ऐसे व्यक्ति को तो ट्रस्ट भी ले रखा था और जिनमें जो कि ट्रस्टी हटाए गए हैं, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा ताकि क्योंकि ट्रस्ट में भी जब बहुत से करप्शंस अभी चले हुए थे कंटिन्यूस और जिसमें कि बहुत से ऐसी चीज़ें हमारे सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली थी क्योंकि जो कुछ ट्रस्टी थे जो पंजाब से रखे गए थे वो पैसे लेके रखे गए थे ट्रस्टी और हमने कुछ आरटीएस डाली भी हुई लेकिन अभी तक उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है तो हम उसका भी वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें मिले। बाकी ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि उन्होंने ये ट्रस्टी हटा के जो ट्रस्ट था उनको बंद कर दिया है और नए ट्रस्टी वो आयर करेंगे। और अपनी पार्टी में मिल रहे उल्हानों और भ्रष्टाचार के लग रहे आरोपों के बीच इंद्र की राह बाया भाजपा भी आसान नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वह किस मुंह से भाजपा के टिकट पर वोट मांगेंगे। वही भाजपा के पूर्व विधायक रहे बलदेव शर्मा ने भी बाबा बालकनाथ ट्रस्ट के माध्यम से इंद्रदत्त लखनपाल पर हमला बोला है। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि इस ट्रस्ट में पूर्व विधायक ने पंजाबियों को भी सदस्य बनाया और मनमर्जी से नियुक्ति की। कहा जा रहा था कि कांग्रेस के बागी हुए विधायकों को भाजपा टिकट दे सकती है लेकिन जिस प्रकार स्थानीय स्तर पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने बयान दिए है उनसे साफ है कि इंद्रदत्त की भाजपा की राह भी आसान नहीं होने वाली। लंबे समय तक कांग्रेस सेवा दल की टोपी पहन अपनी पहचान बनाने वाले इंद्रदत्त के लिए अपनी पार्टी को नीचा दिखाने के बाद फिर से वही रुतबा हासिल करना नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं होगा।